तस्वीर लाया है उस दूसरे नाम का सब जानते हैं कि आज का दिन जो है 14 अप्रैल इस दिन को हम नेशनल फायर सर्विस के डे के तौर पर मनाते हैं पूरे जिस मुल्क में मुल्क के साथ साथ इस यूटी जे एंड के में भी हम मनाते हैं। इस दिन को हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने इस लाइन ऑफ ड्यूटी में अपने प्राणों अपने प्राण गंवाए शहादत हासिल की उनको हम याद करते हैं। उनके उन पर जो मेमोरियल होता है उनका शहीदों का उस पर गुलबारी करते हैं और साथ ही साथ उनको याद करते हैं। तो ये हफ्ता भी यहाँ से शुरू होता है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये हम एज अवेयरनेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस हफ्ते को पूरे हफ्ते को हम 14 से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक कहते हैं और इस दौरान हम लोगों को और स्टूडेंट्स खासकर जो कॉलेजों में स्कूलों में होते हैं उनको अवेयर करते हैं आग से बचाव के जो इकदाम हैं कैसे करना चाहिए ये
आग लगते कैसे हैं, इनको बुझाने का क्या तरीका है, यही इस हफ्ते में हम पूरा जानकारी लोगों को देते हैं। क्या सर ये हो सकता है कि जो बाकी जो घर दे रहते हैं वो बढ़ाने की, जहाँ पर जो फायर स्टेशन जो होते हैं जी वो बढ़ाने की? देखिए हर चीज़ में मतलब बढ़ोतरी करनी ज़रूरी होती है। इसी तरह फायर सर्विस में एक ज़माना था कुछ 30-40 स्टेशन टोटल थे, इस वक्त हमारे पास बहुत सारे स्टेशन हैं। तो हमारे 114 कश्मीर डिवीज़न में, इसी तरह 42 जम्मू डिवीज़न में, और इसमें रोज़ बर रोज़ इजाफा होता रहता है और गुंजाइश भी है। इस वक्त भी हमने बहुत सारे इलाकों के लिए रिकमेंड किया हुआ है कि वहाँ स्टेशन खोले जाएँ। तो जो ही मैन पावर हमारे पास आएगा, गवर्नमेंट इस पर ज़रूर काम करेगा।